तो अर्ध चालक को मैं दो तरीके से डिफाइन कर रहा हूं। तो वे अर्ध चालक, अर्ध चालक वे पदार्थ होते हैं जो सामान्य अवस्था में कुचालक होते हैं किंतु इन्हें जब ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है अथवा विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो ये सुचालक में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण जर्मेनियम सिलिकॉन, इसको हम क्या बोल देते हैं, सिलिकॉन। तो ध्यान रखिएगा, आज जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो इन्हीं के ऊपर बेस है। ठीक है, तो अर्धचालक समान ताप पर कैसे होते हैं कुचालक, लेकिन जैसे इनको ऊष्मा दी जाती है, ताप दिया जाता है, ये काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, सुचालक में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनको मैं अर्धचालक कहता हूँ। ये हमारे पास इनके जनरली एग्जाम्पल कौन से हैं, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। अब देखिए, दो डेफिनेशन है इम्पॉर्टेंट, इनको मैं आपको बता देता हूँ। इनको मैं संयोजी बैंड या बैलेंस बैंड बोलता हूँ, बैलेंस बैंड कहता हूँ। तो आपने देखा होगा कोई भी मेटल के जो परमाणु होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट सहसंयोजी बंध बनाते हैं। ठीक है, तो इनके डिफरेंट ऊर्जा स्तर होते हैं, अगर वे ऊर्जा स्तर पूर्णतः भरे होते हैं इलेक्ट्रॉनों से, तो इन बैंडों के ग्रुप को या ऑर्बिट के ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, संयोजी बैंड बोलते हैं। तो ये मैं ऐसा डिफाइन करता हूँ ऊर्जा के ऐसे ऑर्बिट या स्तर जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा पूर्णतः भरे होते हैं, पूर्णतः भरे होते हैं, इन्हें संयोजी संयोजी
संयोजी बैंड कहते हैं। तो ये क्या कहलाने लगते हैं? संयोजी बैंड कहलाने लगते हैं। तो आप एक ऐसे परमाणु के है ना कल्पना करिए जिनके की सब ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे होते हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं? संयोजी बैंड बोल देते हैं। दूसरा है हमारे पास चालन बैंड, चालन बैंड, इनको हम क्या बोल देते हैं? कंडक्शन, कंडक्शन बैंड बोल देते हैं। ठीक, इनको हम ऐसा डिफाइन करते हैं ऊर्जा के ऐसे स्तर या ऑर्बिट जो खाली होते हैं वे चालन बैंड कहलाते हैं। देखिए हमारे पास क्या हो गया, मैं यहां से क्या लेके चलता हूं? अगर मैं इसको लेके चलूं, ये मेरे पास कैसा हो गया? बैलेंस बैंड। और ये कैसा हो गया आपके पास? कंडक्शन बैंड। तो ऊर्जा के ऐसे स्तर जो खाली होते हैं इनको हम क्या बोल देते हैं? कंडक्शन या चालन बैंड बोलते हैं। जो भरे होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? बैलेंस बैंड बोलते हैं। जब इनको ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होने लगते हैं, ये आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो इसको हमें क्या हो गया? ऊर्जा देने पड़ती है। इस ऊर्जा को हम क्या बोल देते हैं? बैंड गैप एनर्जी बोल देते हैं। ठीक, तो इसको हम ऐसा डिफाइन करते हैं, एक और डेफिनेशन, बैंड ऊर्जा अंतराल, ये ईजी कहलाती है। ठीक है, इसको मैं ईजी से शो कर देता हूं। ठीक है, तो वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे इलेक्ट्रॉन को देने पर वह संयोजी बैंड से चालन बैंड में चला जाता है, बैंड ऊर्जा अंतराल। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चला गया? उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। तो बैंड ऊर्जा अंतराल ईजी कहलाता है। इसको हम क्या करते हैं? जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं इसी के बेस पे चालक कुचालक और अर्धचालक को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इतना पहले आप लोग अच्छे से नोट करिए।